नमस्कार, हमारी खास पेशकश आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। और चलते हैं अब उन खबरों की ओर जिनका सीधा सरोकार और वास्ता आपसे है, क्योंकि ये दोनों खबरें आपसे जुड़ी हुई हैं। तो बात करेंगे आपसे जुड़ी खबरों की। अगर यहाँ पर देखा जाए तो डायबिटीज के मरीज जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे में क्या चीनी और डायबिटीज का रिश्ता जो है वो आपके लिए खतरनाक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि पहली खबर जो है वो है डायबिटीज को लेकर, तो वहीं दूसरी ओर बात कर लेते हैं बारिश और फंगल इन्फेक्शन के बारे में। यानी कि बारिश का मौसम आते ही फंगल इन्फेक्शन जो है बढ़ जाते हैं, और ऐसे में इस वक्त जब ब्लैक फंगस का खतरा जो है लोगों पर बना हुआ है, लगातार जो है केसेस सामने आ रहे हैं, ऐसे में आप हर फंगस को ब्लैक फंगस ना समझे। हर फंगस ब्लैक फंगस नहीं होता, लेकिन अगर आपको कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको किस तरीके से अपने आप को क्योर करना है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो क्या चाय पीने से डायबिटीज होती है? दरअसल चाय पीने से डायबिटीज हो जाती है, लेकिन बात अगर यहाँ पर की जाए कि आप क्या खाते पीते हैं, और जो भी आप खाते पीते हैं वो आखिर में आपके अंदर जाकर जो है शुगर ही बन जाती है। हाँ, अगर आप अपनी चाय में अलग से चीनी डालकर पीते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। यानी कि केवल उतनी ही चीनी का प्रयोग करें जितना ब्लड शुगर लेवल ठीक करने के लिए हो। यानी कि अगर जरूरत से ज्यादा कोई मीठा चीज या फिर कुछ ज्यादा कुछ खा लेते हैं तो वो जो है कोई चीज जो है हम अगर लेते हैं तो हमें नुकसानदायक ही होती है। तो आज हम यहाँ जानेंगे कि किस तरीके से आपको खाने का जो बैलेंस बना के रखना है, और आपको कितना जो है खाना किस तरीके से खाना है। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए खासकर डाइट जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। डॉक्टर भुवनेश्वर, आपका पहले तो स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार करता हूँ। बिल्कुल डॉक्टर भुवनेश्वर, शुरुआत में इसी से करूंगी कि चाय एक बहुत बेसिक चीज है, चाय पीने से डायबिटीज हो जाती है, ऐसा मिथ है या फिर सच है, या किस तरीके से हम चाय पी सकते हैं अगर डायबिटीज है तो? नहीं, ये टोटल मिथ है, इसमें किसी तरह से कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम साइंटिफिक हिसाब से देखें, मेडिसिनल हिसाब से देखें, तो चाय बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, आपको बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं उसमें जी। अब ये इस पर निर्भर करता है कि आप चाय बना किस तरह से लाए। लोग उसको बहुत ज्यादा शक्कर डाल के, मतलब शुगर डाल के मीठा बना लेते हैं। जिन लोगों को ये कहा जाए कि आपको शुगर नहीं लेनी है तो उसमें वो आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल लेते हैं, ये सब चीजें नुकसान करती हैं। आप चाय को बहुत अच्छे न्यूट्रिशनल ड्रिंक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम लगभग सबको कोरोना काल में तो सलाह दे ही रहे हैं कि आप दिन में 3 से 4 बार वो चाय पिए जिसमें सिर्फ काली पत्ती डली हो आपकी, और आप चाहें तो स्वाद के लिए उसमें जरा सा शहद और नींबू डाल सकते हैं, वो आपके लिए टॉनिक बन जाएगा। तो ये निर्भर करता है इस पर कि आप कैसे पीना चाह रहे हैं। बहुत से लोग उसको शक्कर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जो गलत है। आपकी एक चम्मच शक्कर से आपके अंदर अगर 100 कैलोरी बढ़ जाती है तो ये आपके लिए बेहद नुकसानदायक होने वाला है। डॉक्टर भुवनेश्वर, एक सवाल मेरा ये भी था कि जो लोग चाय जो है, अगर उसे हम, आपने बताया कि हम चाय में कुछ चीजें ऐड करके जो है हेल्दी बना सकते हैं, फायदेमंद बना सकते हैं, तो जो लोग चाय में चीनी की जगह कुछ और अगर विकल्प ढूंढ रहे हैं तो उन्हें क्या डालना चाहिए? गुड़ अच्छा रहेगा, शुगर फ्री जो आती है टैबलेट्स आजकल वो अच्छी रहेंगी, शुगर फ्री पाउडर अच्छा रहेगा। आर्टिफिशियल स्वीटनर जो शुगर फ्री है वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, उससे आपके दिल पर, आपके गुर्दों पर, आपके लिवर पर बहुत गंभीर असर आते हैं, लोग समझते नहीं है। देर सवेर फिर उनमें जब दिक्कतें आती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपको अपने स्वाद पर, अपनी जीभ पर कंट्रोल करना है। देखिए, एक आदमी जिसने जरा भी कभी शुगर ना ली हो, अगर मैं उसको एक दाना भी चखने को दूंगा तो वो बड़ा मीठा लगेगा उसको। लेकिन एक आदमी जो दिन भर चम्मचों से शुगर खा रहा हो, उसको मैं अगर आधी चम्मच देने की कोशिश करूंगा तो उसको स्वाद लगेगा ही नहीं उसका। तो ये हमारा परस्पेक्शन है, ये हम जैसा बना लेते हैं खुद को वैसा हो जाता है। अगर हम कोशिश करेंगे शुगर को घटाने की, तो आप मानिएगा कि आप एक महीने बाद जब आप शुगर लेने की कोशिश करेंगे तो आपको वो शुगर नहीं लगेगा, वो कड़वा लगने लगेगा। ये बेसिकली सिस्टम होता है, तो हमें खुद के ऊपर कंट्रोल करना होगा। हाँ, शुरुआत में जैसे मैंने कहा, आप प्योर शहद आपको मिलता हो बिना शुगरी स्टार्च वाला, जो आजकल शुगर स्टार्च डलने लगे हैं, तो उसके बिना का जो आपको प्योर शुगर शहद मिल सकता हो तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो काला गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें पेस्टिसाइड नहीं डाला गया हो। देखिए, यहाँ गुड़ की भी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गुड़ हमको बहुत अच्छा सफेद और सुंदर सा दिखता है, उसमें से बेसिकली हम पेस्टिसाइड, यूरिया वगैरह डालकर, उसमें केमिकल्स डाल के उसका आयरन निकाल देते हैं, इसलिए वो सफेद दिखने लगता है। लेकिन ये बड़ा नुकसानदायक है, आपको वही गुड़ इस्तेमाल करना चाहिए जी, जो ताजा बना हो और जिसमें कालापन हो, क्योंकि वो आयरन से होता है, और आयरन बहुत जरूरी है, मिनरल आयरन हमारे शरीर में न्यूट्रिशनल के लिए जी।
डॉक्टर भुवनेश्वर, अगर खाने पीने की बात की जाए तो सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो खाने के लिए बड़ा दिक्कत हो जाती है उन्हें, कि क्या खाएं, ऐसा क्या खाएं जैसे शुगर लेवल जो है मेंटेन रहे। जिनका शुगर बहुत जल्दी बढ़ जाता है उन्हें बड़ी परेशानी होती है, उनके लिए खाना भी उस हिसाब से बना जाता है। कहीं बाहर अगर शादी पार्टी में जाते हैं किसी भी जगह अगर जाते हैं तो वहां पर भी खाने का कोई सुख नहीं रहता उन्हें, वहां खाने के लिए जो है उन्हें ढूंढना पड़ता है कि कुछ ऐसा मिल जाए जो डायबिटीज के लिए सूटेबल हो। तो ऐसे में जो खाना होता है, डाइट होती है, वो किस तरह की लेनी चाहिए, मतलब किस तरह का खाना हम खा सकते हैं, कैसे हम जो है उस खाने को आइडेंटिफाई करें कि नहीं इसमें शुगर नहीं हो सकती, शायद इसको हम ले सकते हैं। बहुत सारे लोग तो सब्जी रोटी भी नहीं खाते नॉर्मली जिनको शुगर डायबिटीज होती है तो। देखिए, हम सबको लगातार जो सलाह देते हैं, हमारे बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट डाइट और एक्सरसाइज से बहुत अच्छे अपनी अपनी जीवन शैली को निभा पा रहे हैं। उसमें आपको ये समझना होगा कि आपको खाने की कोई मनाही नहीं है, आपको खुद अपना जज बनना पड़ेगा। हम किसी से कहते हैं कि कोई पूछता है कि आम खा सकते हैं क्या, तो हमारे कहने का अर्थ वो निकालता है कि हम बहुत सारा आम खा सकते हैं। आपको अपना स्वाद लेना है तो आप आम की एक कली या दो कली खा के अपना स्वाद तुष्टिकरण कर लीजिए। हम कोई पूछना चाहता है कि हमें बहुत सारा मीठा अच्छा लगता था, हम क्या करें, तो ऐसी परिस्थितियों में हमें खुद का जज खुद बनना होगा। हम सबको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने 24 घंटे के भोजन का, डाइट का आकलन करिए, आप खुद देखिए कि आपको किस तरह का काम है और उस काम के हिसाब से आपको कैसा भोजन मिलना चाहिए। आप अगर एक डायबिटिक आदमी है और वो दिन भर सुबह से रात तक खदान में मजदूरी करता है, पत्थर तोड़ता है, लगातार मेहनत करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसको कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए पड़ेंगी। यहाँ लेकिन जो आदमी घर में कमरे में बैठा हुआ है, हाथ पैर भी नहीं हिला रहा है, नौकर चाकर लगे हुए हैं, तो लाजमी सी बात है कि उसकी कैलोरीज उसको आधी भी नहीं चाहिए, उसके अंदर जो कैलोरीज आएगी वो एक्स्ट्रा जाने वाली है। तो आपकी मेहनत और आपके दिन भर के क्रियाकलाप के हिसाब से आपको अपने डाइट शेड्यूल खुद बनाने चाहिए। यहाँ मैं सबको समझाता हूँ कि आपका डाइट चार्ट कोई डाइटिशियन नहीं बना सकता है, कभी इस मुगालते में मत आइएगा। आपका डाइट चार्ट आप खुद बना सकते हैं और हम सबको ये सलाह देते हैं कि आप अपने भोजन में से उन चीजों को दूर करिए जिनसे तुरंत ग्लूकोज बनता है। जैसे हमारे देश में गेहूं पैदा नहीं होता था, गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज्यादा है, तो हम पिछले 20 साल से सबको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने खाने में गेहूं शामिल मत करिए। अगर आप गेहूं हटा देते हैं तो आपकी आधी कैलोरीज ऑटोमेटिकली हट जाती है, आपकी शुगर वैल्यूज नॉर्मल मेंटेन होने लगेगी। और इसमें आप डायबिटीज को बीमारी मत समझिए, डायबिटीज सिर्फ एक स्टेज है आपके शरीर की, जो शरीर के कार्य करने की क्षमता और शरीर की खुराक के अनुपात में बैलेंस ना बनने की वजह से हो रही है। तो आपका जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो आप काम कम कर रहे हैं, खुराक ज्यादा ले रहे हैं, जिस वजह से शुगर वैल्यू आपके शरीर में इकट्ठी हो रही है, जिसको हम डायबिटीज का नाम दे रहे हैं। और ये बहुत बड़ा एक दवा माफिया का षड्यंत्र भी है, हम सबको ये समझाना चाहते हैं। अगर आप पर्याप्त मेहनत कर रहे हैं तो आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 120-130 तक भी नॉर्मल हो सकती है। अगर आप पर्याप्त मेहनत कर रहे हैं तो आपकी पोस्ट प्रेंडियल जो खाने के बाद की हम शुगर कहते हैं वो 150-160 तक भी नॉर्मल हो सकती है। इसलिए बिल्कुल इनके चक्कर में नहीं आइए, अपने आप को मैनेज करिए प्रॉपर सिस्टम में, अपनी पूरी मेहनत। आपको अपने साथ लापरवाही नहीं करनी है कि आप सोचें कि मैं बैठा हूं और मैंने तो खाया ही नहीं है कुछ, तो वो जो कुछ नहीं खाया या जो भी खाया है वो आपके लिए नुकसानदायक है। जी डॉक्टर भुवनेश्वर, अगर खाने पीने की बात की जाए यहाँ पे, तो कई सारे ऐसे मतलब बहुत कम उम्र के बच्चे भी जो होते हैं वो डायबिटिक हो जाते हैं बड़े जल्दी। ये एक नई समस्या देखने को मिली है कि मतलब 20-21 साल के जो युवा हैं वो डायबिटिक हो गए, उन्हें दिक्कत हो रही है। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे युवाओं के लिए क्या आप एडवाइस करेंगे, क्या उन्हें खाना चाहिए, किस तरीके से अपना उन्हें रूटीन रखना चाहिए? बिल्कुल अनन्या जी, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं, हम अगर आज देखें तो हमारे पूरे जो भी सक्षम परिवार हैं उनके घरों में लाइफ स्टाइल का बहुत जबरदस्त पैटर्न चेंज हो गया है पिछले करीब 20-25-30 सालों से। अगर हम देखें तो जो घरों में मेहनत होती थी, बच्चा दिन रात खेलता कूदता था, गली मोहल्ले में खेलता कूदता था, स्कूलों में उसके साथ बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज होती थी, आज वो सब चीजें सिमट कर घर में एक कमरे में और हाथ में मोबाइल और टेबल पर लैपटॉप पर सिमट गई हैं, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी नाम मात्र की रह गई है। और इसके साथ जो दूसरी सबसे बड़ी बात खड़ी हो गई है कि ये जो जंक फूड का सिस्टम चल पड़ा है घर घर में, पिज्जा बर्गर और बाकी चीजों का, स्पाइस आलू की चिप्स का और फ्रेंच फ्राइज का, आप देखिए कि बच्चों के शरीर में पोषण नहीं जा रहा है, बच्चों के शरीर में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट घुस रहे हैं जो मोटापे का कारण है। और जैसे मैंने कहा कि आपका अगर शरीर का बैलेंस बिगड़ेगा खुराक वर्सेस एक्सरसाइज का, खुराक वर्सेस कंजम्पशन का, तो बहुत बेसिक सी बात है कि जो भी एक्स्ट्रा शुगर है, जो भी एक्स्ट्रा भोजन है, जो भी एक्स्ट्रा कैलोरी है,
वो शरीर उसको डाइजेस्ट करके उसको नियोफेटोजेनेसिस के जरिए, नियोग्लाइकोजेनेसिस के जरिए बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। आम आदमी की भाषा में मैं अगर बात करूं तो आपका शरीर जो भी भोजन बचा पाता है उस भोजन को वो कन्वर्ट करके फैट में इकट्ठा कर लेता है अपने शरीर में, क्योंकि उसको फिर वो जब चाहे तब रिवर्स करके वापस शुगर में कन्वर्ट कर सकता है। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि आप खा तो बहुत रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो वो रिवर्स नहीं हो रहा, वो आपके शरीर में इकट्ठा होता जा रहा है। तो इसीलिए चाइल्डहुड ओबेसिटी हम बहुत देख रहे हैं हमारे देश में, और इसीलिए बहुत जल्दी बच्चों में मोटापा और उससे संबंधित डायबिटीज या दूसरी बीमारियां खड़ी हो रही हैं, जो चिंताजनक है। विदेशों में पूरा सिस्टम चेंज कर दिया गया है, जबकि ये सिस्टम जंक फूड का वहीं से आया, अमेरिका से, और वहां उन्होंने हेल्दी फूड के ऊपर फोकस करना चालू किया है, जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सब चीजों का, ओट्स का योगदान है। और हम देख रहे हैं कि ये चीजें तो हमारे यहाँ का मोटा अनाज हुआ करता था, जिसको आज विदेशी अपना रहे हैं, लेकिन हम उनका जो जंक फूड अपना रहे हैं, जो हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकारें और सिस्टम भी दोषी है, जो इन चीजों के ऊपर ना तो काम करता है, ना बच्चों को स्कूल में इस तरह की फिजिकल एक्सरसाइज और प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज से रिलेटेड फूड देने की कोशिश कर रहा है। जी डॉक्टर भुवनेश्वर, अगर ये तो हो गई खान पान की बात, लेकिन यहाँ पर टेस्ट जो होता है, यानी कि जो हम डायबिटीज चेक करते हैं, कई लोग घर पे ही कर लेते हैं, अब तो पहले बाहर जाना पड़ता था, अब तो सारी जो किट है वो घर पे ही आ जाती है, तो जो टेस्ट है वो कब कब करना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा पॉसेसिव होते हैं कि अरे बड़ी जल्दी जल्दी टेस्ट करते हैं, कि अरे थोड़ी देर बाद फिर करना है, थोड़ी देर फिर करना है, तो ये टेस्ट जो है ये सही है नहीं है? क्योंकि लगातार खुद का शुगर लेवल चेक करना एक मेंटल जो हमारी स्थिति है उसको बिगाड़ देता है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने, ये भी एक तरह की विकृति है, इसको एक तरह का ओवर ऑब्सेसिव कंपल्सरी डिसऑर्डर भी हम कह सकते हैं, कि आदमी खुद को बार बार जांच करना, बार बार चिंता करना, बार बार परेशान होना, ये एक तरह की बीमारी में शामिल हो जाता है। अगर हम किसी सामान्य व्यक्ति की दिन में 10 बार शुगर चेक करेंगे, तो आवश्यकता अनुसार, खाने के अनुसार, सोने के अनुसार, काम करने के अनुसार, इस शुगर की वैल्यू में बहुत ड्रास्टिक परिवर्तन ऊपर से नीचे आते हैं। कभी वो 60 भी जा सकती है, कभी वो 150 भी जा सकती है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है कि आपने अपने दिन भर के खर्चे में से जो पैसा खर्च किया, तो वो पैसा आपका घटता भी दिखेगा, बढ़ता भी दिखेगा। तो इसलिए लोगों को हम बहुत बेसिक सी सलाह देते हैं कि आपको अमूमन एक तो बिल्कुल अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं एक्स्ट्रा भोजन नहीं कर रहा हूँ। फिर आपका शरीर आपको इंडिकेट करता है कि किसी वजह से कोई दिक्कत उसमें हो रही है, तो आपको मालूम पड़ता है कि आज मेरी शुगर शायद ज्यादा हो गई होगी, कि आज मेरी शुगर कम हो गई होगी। तो हम इन सब लोगों को सलाह देते हैं कि आप हर वक्त टेस्ट ना करिए, एक किसी पर्टिकुलर टाइम पर आप सुबह अपना फास्टिंग शुगर चेक करिए। जैसे हम सबको ये कहते हैं कि आप जब सो के उठते हैं तो अपना फ्रेश होकर बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले अपनी शुगर चेक कर लीजिए, तो वो आपको एक हाई वैल्यू दिखाएगी हर वक्त की, जो आपकी ओवरनाइट फास्टिंग की वजह से बना है। ओवरनाइट फास्टिंग का शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका 6 से 8 घंटे जब आप फास्टिंग हो जाते हैं तो शरीर आपकी सारी वो बेसिक चीजों को पूरा कर लेता है और एक नॉर्मल पोजिशन पर आ जाता है। जैसे हम कहते हैं कि हमने मोबाइल रिसेट कर दिया या कंप्यूटर रिसेट कर दिया, तो ओवरनाइट फास्टिंग में बॉडी का सिस्टम रिसेट हो जाता है। तो अब इस स्थिति में आप देखेंगे तो आप अपना सिर्फ जब जरूरत हो सब एक फिक्स टाइम पे सुबह ओवरनाइट फास्टिंग के बाद का ही सैंपल अपना शुगर का देखने की कोशिश करें, वो आपको सही वैल्यू दिखाएगा। और हर 3 महीने में एक बार अपना HbA1c, जिसको हम 3 महीने की शुगर वैल्यू का एवरेज कहते हैं, वो करा के देख लें, तो उससे आपको ये अंदाजा मिल जाएगा कि आपकी बेसिक बॉडी की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, पेंक्रियाज है, जो बचा खुचा इंसुलिन है, वो बहुत प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अपने सारे दर्शकों को, श्रोताओं को ये भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप हमारे डाइट प्लान के अनुसार जो आप खुद बना सकते हैं और अपने आप को चीट नहीं करते हैं, अपने आप से धोखा नहीं करते हैं, तो आप अपनी 90% डायबिटीज की दवाइयां घटा सकते हैं। जैसे तो आपको करना सिर्फ इतना सा है कि खाने से शुगर हटा दीजिए पूरी, किसी भी तरह की आर्टिफिशियल शुगर मत लीजिए, और खाने में से गेहूं निकाल दीजिए। अगर आप ये 2 चीजें निकाल देंगे और जितनी आपसे मेहनत हो सकती है वो आप कर लेंगे, तो आपकी 4 डाइट जो होती हैं वो आपके लिए पर्याप्त होंगी, जिसमें 60-70% आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए। जी डॉक्टर भुवनेश्वर, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम सारी बातों से मैं जैसे कोरोना और कोरोना से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजों में हम लगातार पिछले 1.5 साल से सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शुरू के 5 दिन किसी भी सर्दी जुकाम बुखार में कोई हैवी एंटीबायोटिक या किसी तरह के एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड कदापि मत लीजिएगा। और आप देख लीजिए यही सब प्रोटोकॉल्स बदल बदल के वापिस आ रहे हैं। आप अगर एंटीबायोटिक दवाइयां और स्टेरॉइड्स लेते हैं तो आपके शरीर में फंगल इन्फेक्शन, आपके शरीर में डायबिटीज,
बहुत हद तक बिगड़ सकती हैं और आपको ढेर सारे नुकसान हो सकते हैं। अगर आपको किसी वजह से कोई पुरानी बीमारी रही है टीबी की, टाइफाइड की, तो वो वापिस उभर सकती है, वो लाइलाज हो सकती है। और ये बहुत सारी परेशानियां हम अगले 3 महीने में देखेंगे बारिश के समय में। तो सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और अनलगल दवाइयां किसी भी सर्दी जुकाम बुखार की स्टेज में अगर कोई होती भी है तो किसी के कहने पर बिल्कुल मत लीजिए। शुरू के 3 से 5 दिन आपका शरीर खुद बीमारी से लड़ लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद भुवनेश्वर जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज, तमाम सही जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आपने जाना कि किस तरीके से आप जो है अगर डायबिटिक हैं तो आप कैसे अपने खान पान को सही कर या कुछ चीजों का ध्यान रखकर जो है अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और चीनी का उपयोग थोड़ा कम करिए खाने में, अगर हो सके तो हनी ऐड कीजिए, गुड़ की चाय पी लीजिए, लेकिन चीनी जो है उससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए। और खासकर जो आर्टिफिशियल फेक जो चीनी आती है उनको मत यूज कीजिए, आर्टिफिशियल जो शुगर होती है उसको बिल्कुल यूज मत कीजिए, वो आपको और ज्यादा हार्मफुल रहती है और आपकी बॉडी में जो है कई सारी और भी बीमारियां जो है उसका कारण बन जाती है। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।